आगे बढ़े। काव्य रचना की शुरुआत की थी, इसीलिए वह कहता है मैं सूखना ही नहीं चाहता, मैं बहुत थक गया था, ज्वर आ गया था, लेकिन इस परीक्षा से मेरी थकान कम हो गई, इसीलिए मुझे मेरे भींगे वस्त्र को देखकर तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मल्लिका कहती है तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते हो। कालिदास यह कहते हैं कि सब कुछ कितना बदल गया है, भले तुमने न बदला हो पर यह सब कुछ बदल गया है। कालिदास ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ प्रत्येक वस्तु अपरिचित लगेगी, क्योंकि मल्लिका की शादी विलोम से हो जाती है और उसी से उसे एक संतान भी है। सब कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखकर मल्लिका की अवस्था भी जीर्ण शीर्ण हो गई है, इसीलिए कालिदास कहता है कि यहाँ सब कुछ बदल गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी दृष्टि ही बदल गई है। कालिदास ने कहा कि कश्मीर जाते समय जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। कालिदास ने यह स्पष्ट कर दिया कि उस समय मैं कश्मीर जाते समय इसलिए नहीं आया था कि शायद तुम्हारी भावनाओं से मैं आकर्षित होकर अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा, लेकिन आज वही लक्ष्य से भटक कर मैं फिर तुम्हारे पास आश्रय पाने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ तो आश्रय ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ का सब कुछ बदल चुका है। मल्लिका ने मातुल की कही बात कालिदास से कही कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास ने आज इसके जवाब में कहा, आज मैं सत्ता और प्रभुता सबसे मुक्त हूँ, न मेरे पास सत्ता है न मेरे पास कोई शासन, सब यह सोचते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, लेकिन मैं सिर्फ मातृगुप्त, जो विक्रमादित्य का विक्रमादित्य ने इसे अलग नाम दिया था मातृगुप्त, राजा बनने के बाद उस जवाबदेही से मैं मुक्त हुआ हूँ। जाने के दिन में कालिदास ने कहा कि मैं मातृगुप्त बनकर नहीं, हमेशा से कालिदास बनकर जीना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ की सी आत्मीयता मुझे कहीं नहीं मिली। यहाँ जो प्रेम इस वन प्रदेश में जो मुझे प्रेम मिला, जो मुझे साधना का लक्ष्य मिला, जो